YTBians की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग कई दिनों से ये क्वेश्चन लगातार कर रहे थे YT भारत पर कमेंट करके कि नॉर्थ इंडिया के सबसे अच्छे हनीमून डेस्टिनेशन कौन से हैं और वहां पर जाने का सबसे बेहतरीन टाइम, सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया का सबसे जो रोमांटिक हनीमून डेस्टिनेशन है, जो ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है, नंबर एक पर मनाली, नंबर टू पे शिमला और नंबर थ्री पर नैनीताल। दोस्तों, नैनीताल के अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो दिल्ली के सबसे नज़दीक पड़ता है। आराम से आप वहाँ पर करीब 6-7 घंटे की ट्रैवल करके, चाहे आप वाया कार जाएं, चाहे ट्रेन जाएं, चाहे बस से जाएं, आप आराम से पहुंच सकते हैं। जबकि शिमला और मनाली की अगर बात करें तो उनकी डिस्टेंस दिल्ली से थोड़ी सी ज़्यादा है, 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है शिमला या मनाली पहुंचने में। लेकिन अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है साल का, वो अभी चल रहा है। मैं आपका वीडियो बना करके ला रहा हूँ दिसंबर के महीने में। नवंबर से प्लीजेंट मौसम स्टार्ट होता है, नवंबर एंड से, जो इस साल नवंबर के स्टार्टिंग से शुरू हो चुका है, और नवंबर के एंड से होकर के मार्च के लगभग स्टार्टिंग वीक तक बहुत ही स्नोफॉल पड़ती है, प्लीजेंट वेदर बना रहता है। और स्नोफॉल लवर्स के लिए, जो हनीमून को स्नोफॉल में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके लिए तो इससे बेस्ट टाइम हो नहीं सकता। और दूसरी एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि न्यू ईयर भी इसी टाइम के बीच में पड़ता है। लेकिन एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि न्यू ईयर पर बहुत सारे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे कि उनको न्यू ईयर पर जो पैकेज हैं हनीमून के, वो क्यों कॉस्टली मिल रहे हैं। तो मैं उसकी वजह भी आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, न्यू ईयर पर जितने भी आपके होटल्स हैं उनका रेट, वॉल्वो के रेट्स, साइट सीन जो करवाने वाले हैं, कैब के रेट्स, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। जबकि जो ट्रैवल पार्टनर्स होते हैं, जो ट्रैवल कंपनीज होती हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनका कमीशन जस का तस बना रहता है। लेकिन जो होटल्स, वॉल्वो, साइट सीन, मतलब जो वहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि पीक सीजन होता है भाई, उनको भी कमाना है ना, लॉस में चलते हैं पूरे साल, तो उनको कमाई का यही टाइम होता है। इसलिए ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल एजेंट्स या अदर जो हैं, वो आपको महंगे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा 13,500 रुपये का हनीमून पैकेज जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है, दिल्ली मनाली वॉल्वो पैकेज, वो भी 18,500 का सेल आउट हम कर रही है, जो ट्रैवल कंपनी हमसे एसोसिएटेड है। और अगर आप उसको बुक कराना चाहते हैं न्यू ईयर पर, मतलब 20 दिसंबर 2020 से लेकर के 5 जनवरी 2021 के बीच में अगर आप कोई भी ट्रैवल करते हैं, तो तब आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, अगर आप न्यू ईयर की डेट्स पर हनीमून सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका था, वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अपना जवाब मिल गया होगा। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन मैंने आपको बता ही दिया नॉर्थ इंडिया का, मनाली, शिमला, नैनीताल है। नैनीताल सबसे पास पड़ता है दिल्ली के, 7 घंटे की आप जर्नी करके नैनीताल पहुंच सकते हैं। और उसके बाद हमने बात करी सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम, तो मैंने बता दिया नवंबर एंड से लेकर के मार्च के स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम होता है, रोमांटिक वेदर होता है, बहुत अच्छी स्नोफॉल पड़ती है खास करके मनाली में, और इतना सुंदर एक्सपीरियंस होता है जब आप वहाँ जाते हैं, लोकल साइट सीन करते हैं, सोलांग वैली जाते हैं, कुल्लू मरीन करन जाते हैं, रास्ते में कसोल की आपका पड़ता है, पार्वती रिवर, बहुत सुंदर नजारा होता है, आप एक बार जाकर के देखिए। और अगर आप जो ट्रैवल पार्टनर कंपनी है हमारी, उसके क्लाइंट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं जो अभी इसी महीने में होकर के आ रहे हैं पिछले हफ्ते, तो आप उस क्लाइंट्स के रिव्यू जाकर के YT भारत चैनल पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के लिंक में भी वहां पर शेयर करने जा रहा हूं, उन वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के भी आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो हनीमून पैकेज से रिलेटेड, तो आप YT भारत पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे सवालों के जवाब हमेशा की तरह आपको सबसे पहले और फास्ट स्पीड से दे दिए जाएंगे। मिलते हैं YT भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए YT भारत चैनल पर। चलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल।